ईद का दिन है, मुबारक दिन है। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, मेरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज हम लोग बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, तो बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल और सादा और मज़ेदार बनाएंगे, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हमारे पीछे आप आवाज़ सुन रहे होंगे, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, वो भी खुश हो रही हैं। अल्लाह ताला उनको भी खुश खुर्रम और उनकी चहचहाती है आवाज़ हमारे कानों को अंदर गूंजती रहे। तो चलो आज की रेसिपी अभी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। कढ़ाई रखती है, हमारे यहाँ आज लाहौर में हो रही है बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात को भी हुई अभी फिर हुई। सबसे पहले हम डालेंगे घी, ये तकरीबन 100 ग्राम घी है, 100 से 150 ग्राम घी है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया, अभी बीफ डालते हैं, बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, बीफ डालते हैं। ये हमने घी के अंदर पकाना है, इसको कवर कर लेते हैं, कवर इसको बंद कर देते हैं, 15 से 20 मिनट ऐसे ही घी के अंदर पकने देते हैं और उस वक्त तक बाकी चीज़ें हम तैयार कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। वाओ बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ गई, ये के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। हम इसको मज़ीद जो है ना अभी 10 से 15 मिनट और लगाते हैं ताकि ये घी के अंदर अच्छी तरह जो है ना फ्राई हो जाए और उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। ये करते हैं चेक, वाओ वाओ ज़बरदस्त। अभी बाकी सारे जो है ना ऐसे करके डाल देते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्याज, हमने 3 अदर डाल देती है और 3 अदर ही इसमें टमाटर, इनको डाल देते हैं। और साथ में अदरक और लहसुन ये डाल देते हैं। और अभी इसको फिर कर देते हैं बंद 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी, बिल्कुल सादा और सिंपल। मिक्स और आँच हल्की कर देनी है अभी। अभी इसमें बाकी मसाले डाल देते हैं लोग। सबसे पहले डाल देते हैं दही, 1 कप दही का ये डाल देते हैं। हम लोग बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, दही हमें डाल दिया, दही के साथ हम बाकी मसाले भी डाल देते हैं और आंच को हल्की कर देना है बिल्कुल। 1 चम्मच जो है नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी ये भी 1 चम्मच और रेड चिली ये भी 1 चम्मच और साथ में हम भी डाल देते हैं इसमें खुश धनिया, कुटा हुआ खुश धनिया और बाकी जो मसाले हैं वो एंड के ऊपर हम जब गार्निश करेंगे उसको करके डाल देंगे। चलिए ये भी कर लेते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स और अभी जो है ना आँच बिल्कुल हल्की कर देनी, दरमियानी आँच पे इसको जो है ना पकने देना है मसाले के ताकि मसाला जो है ना गोश्त के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला, पानी की जरूरत ही नहीं, अभी ये पानी जो है दही का और गोश्त का अपने इसने छोड़ा वैसे ही गोश्त के अंदर पानी के अंदर ये पकेगा। माशाल्लाह हम बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, ये तकरीबन 80% हो चुका है, 70-80% इसको अभी पकने देते हैं, हल्की सी आंच करके इसको कवर कर देते हैं
बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खुशबू आ रही है। तो कर देते हैं कवर, 15 से 20 मिनट तक ये बेटो हमारी पीक कढ़ाई रेडी हो जाएगी और बाकी के मसाले और साबुत धनिया गर्म वगैरह करेंगे और पेश करेंगे और साथ में तमीरी रोटी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी कर लेते हैं चेक गर्म है तो एहतियात से हम इस ग्लास से पकड़ लेते हैं। अभी करते हैं डिश आउट और फिर बच्चों के साथ मिलके एंजॉय करते हैं। हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई। अभी हम डाल देते हैं इसमें गरम मसाले, इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, जीरा और ये कुटा हुआ है, ये डाल देते हैं खुशबू और टेस्ट के लिए। या और खुशबू और जायके के लिए हम डाल रहे हैं सब मिर्च कटी हुई जी। मिर्च आपने एहतियात से इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये बहुत तेज होती है। तो अभी करते हैं डिश आउट और फिर बच्चों को बुला लेते हैं, बच्चों के साथ मिलके एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी, नान हम ले आए, हम भी बच्चों के साथ मिलके एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, डिश आउट कर लिया है और बच्चे खाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे बच्चे आज बीफ कढ़ाई का, तो बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अभी हम खमीरी रोटी भी ले आए हैं और बच्चों को मज़ीद इंतज़ार नहीं कराएंगे, तो इंशाल्लाह उनके साथ बच्चों के साथ मिल के इंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं अपनी YouTube फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जिस हद तक भी हो सके एहतियात करें, बाहर अगर निकलते हैं बाजार की तरफ जाते हैं तो मास्क वगैरह इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत, हमारी सेहत, सभी की सेहत, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबकी सपोर्ट का, आपके तावन का, बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से फिर एक दफ़ा मीठी ईद की बहुत बहुत ईद मुबारक, ढेरों ईद मुबारक अपनी YouTube फैमिली को, जितने भी दोस्त जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, मैं उन सबका तहे दिल से मशहूर हूँ। तो उम्मीद है कि आप सब भी तामन जारी रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ धनिया की गार्निश करना भूल गए तो वो कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी आपको वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।